Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 19th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the solid waste management. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lectures, we have already discussed about the air pollution, water pollution, soil pollution, radioactive pollution and the noise pollution. So guys, अगर अभी तक आपने वो videos नहीं देखी हैं तो please देख लीजिए, उसका link description box में दिया हुआ है. So guys, अभी बात करते हैं solid waste management के बारे में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि solid waste होता क्या है. So guys, कोई भी solid substance जो कि basically unwanted हो या फिर हमने उसको क्या कर दिया हो, discard कर दिया हो, तो ऐसे substance को हम लोग क्या बोलते हैं, solid waste. तो गाइस अभी देखते हैं कि अनवांटेड और डिस्कार्डेड सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है. सो गाइस, जैसे कि हम लोग सब्जियां छीलते हैं तो जो उसके छिलके होते हैं वो बेसिकली अनवांटेड होते हैं, लेकिन जैसे कि अगर मार्केट में कोई भी नया मॉडल आ गया है मोबाइल फ़ोन का, तो आप अपने पुराने फ़ोन को डिस्कार्ड कर देते हैं कि आप इसको अभी यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्कार्डेड वेस्ट. तो गाइस, दो तरह के वेस्ट हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कि वो अनवांटेड है, दूसरा क्या हो सकता है, आपने डिस्कार्ड कर दिया है. तो ऐसे दोनों सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट. तो गाइस, उसके बाद होता क्या है कि सॉलिड वेस्ट जनरेट कहाँ से होता है. सो गाइस, सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है फ्रॉम द ह्यूमन एज वेल एज द एनिमल एक्टिविटीज. सो गाइस, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, ये सब कुछ भी किस में आता है, सॉलिड वेस्ट में. तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये सॉलिड वेस्ट है इसे प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, क्योंकि गाइस अगर जो सॉलिड वेस्ट है इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो सकता है और इसकी वजह से गाइस एयर पोल्यूशन भी हो सकता है. सो गाइस, आपको याद रखना है कि जो भी सॉलिड वेस्ट होता है ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी. सो गाइस, एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ दी पुट्रेसिबिलिटी. मतलब जो भी सब्सटेंस ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द माइक्रोबियल एक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूट्रेसिबल ऑब्जेक्ट्स. एंड गाइस, जो सब्सटेंस बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. सो गाइस, कौन से सब्सटेंसेस ज़्यादा हार्मफुल होंगे? ऑब्वियस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, क्योंकि जो भी सब्सटेंस डिग्रेड हो जाता है तो वो बेसिकली डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर देता है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. सो गाइस, उसके बाद देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट जनरेट कहाँ से होता है. तो गाइस, पहले तो ये चीज़ है कि जो हमारे घर होते हैं यहाँ से भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का वेस्ट जनरेट होता है. उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो यहाँ से भी वेस्ट जनरेट होता है. तो कुछ हजार्डस वेस्ट होते हैं, कुछ नॉन हजार्डस वेस्ट होते हैं. उसके बाद जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ से बहुत तरह के बेसिकली वेस्ट जनरेट होता है. जैसे कि गाइस, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ से हमें ड्रग्स मिलते हैं, एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स, या फिर पैकेजिंग्स मिलती हैं, सिरिंजेस मिलती हैं, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जो म्यूनसिपल वेस्ट होता है इसमें क्या कुछ आता है. सो गाइस, जो भी हमारे घरों में सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है ये सब कुछ कहाँ पर आता है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में. तो गाइस, आपको पता होगा कि आपके घर पर कोई ना कोई कचरे वाला पक्का आता होगा, जिसको बेसिकली आप अपने पूरे के पूरे घर का कचरा निकाल के दे देते हैं. तो गाइस, होता क्या है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उन्होंने कुछ लोगों को काम पर लगाया हुआ है कि वो बेसिकली आपके घर से कूड़ा जो कचरा होता है उसे उठा कर लेकर जाते हैं और उसे किसी लो लाइंग एरिया में जाकर डंप कर देते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. सो गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी सिटी से बाहर जाते हैं तो आपको ऐसा कोई ना कोई एरिया पक्का मिल जाता है जहाँ से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है. तो जनरली वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो पूरी की पूरी सिटी होती है वहाँ का वेस्ट ले जाकर वहाँ पर डंप कर दिया जाता है. जो भी डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें भी वहीं पर फेंक दिया जाता है. तो गाइस, होता क्या है कि धीरे धीरे वहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट है उसकी डिकम्पोजिशन होती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पर प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो जाती है. लेकिन गाइस, इसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जैसे कि अगर आपके सॉलिड वेस्ट में जैसे प्लास्टिक और ग्लास प्रेजेंट है तो वो बेसिकली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अगर माइक्रोब्स उस पर कोई भी एक्शन करने की कोशिश करेंगे तो या तो फिर माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी या फिर उसमें से बहुत जो गंदी गैसेस है, एबनॉक्शियस स्मेल है, वो निकलनी शुरू हो जाएगी. सो गाइस, अभी देखते हैं कि म्यूनसिपल वेस्ट में आता क्या कुछ है. तो गाइस, जो भी आपके घर से निकलता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो सकते हैं, फ्रूट्स के छिलके हो सकते हैं,
या फिर आप घर पर सफाइयाँ करते हैं तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हो सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ से जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो हो सकता है। उसके बाद गाइस, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर किसी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, जिसे कि डेमोनेशन बोलते हैं, अगर ऐसा कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा। एंड गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि कैसे सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना है, कैसे उसको कहीं पर जाकर ट्रांसपोर्ट करना है और कैसे उसकी डिकम्पोजिशन करनी है। तो गाइस, अभी हमने देखा कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या कुछ आता है। उसके बाद गाइस, जो सॉलिड वेस्ट होता है इसमें बेसिकली बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक एज वेल एज नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, हजार्डस एंड नॉन हजार्डस सब्सटेंस हो सकते हैं। लेकिन गाइस, आपको याद रखना है कि विद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब जैसे जैसे हमारे अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, टाउन्स में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो गाइस वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि गाइस, जो भी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर बेसिकली हम लोग पैकेजिंग वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग अमूल मिल्क यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली पैकेट्स में आता है। तो दूध को यूज़ करने के बाद वो जो पैकेट्स होते हैं वो बेसिकली बेकार हो जाते हैं, अनवांटेड हो जाते हैं, जिसे हम लोग अपने डस्टबिन में डाल देते हैं। उसके बाद गाइज, अगर हम लोग बात करें कि आजकल डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा न्यू न्यू तरह के फ़ोन्स आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने पुराने फ़ोन को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और वो भी क्या बन जाता है, सॉलिड वेस्ट। तो आपको याद रखना है कि अर्बनाइजेशन के कारण सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इस सारे के सारे सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करे, ट्रांसपोर्ट करे और इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करे। अगर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो गाइस, उसके बाद बात करते हैं कि कितने तरह का म्यूनसिपल वेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्यूज्ड वेस्ट की। तो गाइस, अगर एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ऐसा कोई भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है जो कि बेसिकली किसी भी यूज़ का नहीं है, बेसिकली वेस्ट तो वही होता है गाइस जो किसी भी यूज़ का ना हो या फिर डिस्कार्ड कर दिया हो। लेकिन गाइस, रिफ्यूज़ में सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे इनऑर्गेनिक है, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट है, चाहे वो एनिमल वेस्ट है। तो गाइस, आपको पता है कि जो म्यूनसिपल वेस्ट होता है यहाँ पर हमारे सीवेज का गंदा पानी और जो हमारा सैनिटरी वेस्ट होता है वो भी आ जाता है। तो गाइस, उसे भी प्रॉपरली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और इन सबको हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, रिफ्यूज़ में। लेकिन गाइस, एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ द गारबेज। तो गारबेज में सिर्फ और सिर्फ ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूट्रेसिबल सब्सटेंस। सो गाइस, गारबेज में सिर्फ और सिर्फ ऐसा सॉलिड वेस्ट आएगा जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाए बाय द माइक्रोबियल एक्शन, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। तो गाइस, इसमें कौन कौन सा वेस्ट आ सकता है, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट आ सकता है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाता है और इसीलिए इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूट्रेसिबल सब्सटेंसेस। उसके बाद गाइस, बात करते हैं रबिश की। तो रबिश का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार, मतलब एक तो ये वेस्ट है ऊपर से बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो जो गारबेज होता है ये तो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जो भी गाइस रबिश होता है ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता, जैसे कि प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, अगर आप इनको 10 साल के लिए भी ज़मीन में गाड़ कर रख देंगे तो ये बेसिकली डिकम्पोज नहीं होने वाले। इसीलिए इन सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं, रबिश। क्योंकि गाइस, अगर इन सब्सटेंस को डिस्पोज करने की कोशिश की जाती है तो इस दौरान बहुत डिफरेंट डिफरेंट गैसेस रिलीज हो जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और गाइस, आपको याद रखना है कि जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं दे आर बेसिकली द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द PM 2.5 एंड द PM 10 पार्टिकल्स। क्योंकि गाइस, होता क्या है कि जैसे एशेज होते हैं, अभी एशेज देखते हैं क्या होते हैं, अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की इनकम्प्लीट कम्बशन कर दी जाती है तो इस दौरान छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग एशेज का नाम दे देते हैं। और गाइस, हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन में कि कैसे जो एशेज होते हैं दे आर बेसिकली द PM 2.5 एंड द PM 10 पार्टिकल्स। डिपेंडिंग अपॉन द साइज हम लोग इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये कौन से PM पार्टिकल्स हैं। सो गाइस, दोनों ही PM पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा बेसिकली डेंजरस होते हैं, इसीलिए गाइस हमें सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो गाइस, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, रिफ्यूज़ में सारा का सारा सॉलिड वेस्ट आ जाता है जो भी हमारे घरों से जनरेट होता है। उसके बाद गारबेज में सिर्फ और सिर्फ ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो कि डिकम्पोज हो पाते हैं, इसमें भी सॉलिड वेस्ट आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रबिश की, तो इसमें ऐसे सब्सटेंस आते हैं, ऐसा सॉलिड वेस्ट आता है जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाता, जैसे कि प्लास्टिक या फिर ग्लासेस। उसके बाद अगर गाइस हम लोग बात करें एशेज की, तो ये कब प्रोड्यूस होते हैं,
जब हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन कर देते हैं सॉलिड वेस्ट की, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में PM 2.5 एंड PM 10 पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं। सो गाइस, होता क्या है कि जो एशेज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो कचरा होता है उसे जला देते हैं, सो दैट उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को पैसा ना देना पड़े, जो कि बेसिकली वेस्ट कलेक्ट करने आते हैं। तो इसके कारण गाइस होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल आती है, एबनॉक्शियस स्मेल होती है, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, और इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में PM 2.5 एंड PM 10 पार्टिकल्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और इसकी वजह से गाइस क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा। एंड अगर ये एशेज सॉइल में मिक्सअप हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट की। तो गाइस ऐसा कोई भी वेस्ट जो कि हमारी इंडस्ट्रीज से आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। तो गाइस हमें पता है कि इंडस्ट्रीज में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, नॉन हार्मफुल भी हो सकते हैं। बेसिकली गाइस है क्या कि जो USA का एक्ट है, दैट इज़ द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड द रेगुलेटरी एक्ट 1976, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉलिड वेस्ट को बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या ये हजार्डस है और क्या ये हजार्डस नहीं है। सो गाइस इंडस्ट्रीज से दोनों तरह का वेस्ट जनरेट होता है, चाहे वो हजार्डस है चाहे नॉन हजार्डस। तो गाइस नॉन हजार्डस सब्सटेंस में क्या आ सकता है, जैसे कि गर्म पानी हो सकता है या फिर जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हजार्डस सब्सटेंस में क्या कुछ आ सकता है, जैसे कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं या फिर जो भी माइनिंग वेस्ट होता है, जैसे कि गाइस आयरन हो सकता है, मर्करी, कैडमियम, जो कि गाइस हम लोगों में क्या कॉज कर सकते हैं, कैंसर। तो गाइस जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसे भी प्रॉपरली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। सो गाइस इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, हजार्डस एज वेल एज नॉन हजार्डस सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं हमारी सीमेंटिंग इंडस्ट्रीज, वुड एंड पल्प इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो गाइस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, जैसे टमाटो से सॉस बनाना, पोटैटो से चिप्स बनाने, तो ये सब कुछ काम कहाँ पर किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, बेसिकली वहाँ पर मेडिसिंस प्रोड्यूस की जाती हैं। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं हजार्डस सब्सटेंस की। तो गाइस हजार्डस सॉलिड सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। अगर ये हमारी सॉइल में, वाटर में या फिर एयर में मिल जाते हैं तो इसकी वजह से पॉल्यूशन हो जाता है। सो गाइस हजार्डस सॉलिड वेस्ट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा, तो जो USA का एक्ट है, दैट इज़ द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1976, उसमें गाइस एक ट्रिक दी गई है जिसके बेसिस पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड वेस्ट हार्मफुल है, कौन सा नॉन हार्मफुल है। सो गाइस उस ट्रिक के बारे में देखते हैं। ट्रिक के स्पेलिंग क्या होते हैं, TRICK। तो इसी से हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं। टी फॉर गाइस क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी, मतलब वो कितना हार्मफुल है, उसमें कितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो हजार्डस सब्सटेंस हो जाएगा। उसके बाद गाइस आर फॉर क्या हो सकता है कि बेसिकली उसमें रिएक्ट कितनी जल्दी कर सकता है, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर अगर कोई दूसरा कंपाउंड बना दे जो कि एक पल्यूटेंट का काम करे, तो गाइस वो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि जो मरकरी होती है वो पानी के साथ मिलकर मिथाइल मरकरी बना देती है, जिसकी वजह से मीनामाटा डिसीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब मरकरी की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद आई की बात करते हैं, दैट इज़ द इग्निटिविटी, मतलब वो जो सब्सटेंस है, सॉलिड वेस्ट है, वो कितनी जल्दी आग पकड़ सकता है। अगर वो बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है तो वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हजार्डस है, लेकिन अगर वो जल्दी आग नहीं पकड़ता तो इसकी वजह से वो नॉन हजार्डस हो जाएगा। उसके बाद सी फॉर कोरोजिविटी, आपको पता होगा कि जो बेसिकली आयरन होता है, अगर उसको हम लोग हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर रस्टिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर पर कोई भी आयरन आर्टिकल है तो उस पर ब्राउन ब्राउन सी चीज़ आ जाती है, दैट इज़ बेसिकली द कोरोजन। तो अगर कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट है जिस पर कोरोजिविटी हो सकती है तो उसे भी हम लोग हजार्डस सब्सटेंस में ले लेते हैं। सो गाइस क्या देखा हमने कि हजार्डस सॉलिड वेस्ट में हम लोग बेसिकली चार तरह के सब्सटेंस को लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रिक। टी फॉर टॉक्सिसिटी, मतलब उसमें अगर केमिकल्स ज़्यादा है तो वो हजार्डस है। उसके बाद अगर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो भी हजार्डस है। अगर इग्निटिविटी ज़्यादा है, मतलब वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हजार्डस है। अगर कोई भी ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो कि कोरोजन हो जाती है जिसकी, तो वो भी हजार्डस सब्सटेंस हो जाता है।
और इसे बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई किसके बेसिस पर करते हैं, यूएसए के एक्ट रिसोर्स कंजर्वेशन एंड द रेगुलेटरी एक्ट 1976। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं यहाँ से कैसे कैसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन सा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। सो गाइस जो हमारी बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जी यहाँ पर बेसिकली जो भी मेडिसिनल चीज़ें होती हैं, जो भी हमें हॉस्पिटल्स में मिलती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर हॉस्पिटल्स के वेस्ट को भी हम लोग बायोकेमिकल सॉलिड वेस्ट में ले सकते हैं। सो गाइस अभी हॉस्पिटल्स से हमें क्या कुछ मिल सकता है, जैसे वहाँ से हमें ड्रग्स मिल सकते हैं, एंटीबॉडीज मिल सकती हैं, एंटीबायोटिक्स, सिरिंजेस मिल सकती हैं, पैकेजिंग्स मिल सकती हैं, जो ग्लूकोज की खाली बॉटल्स होती हैं वो मिल सकती हैं। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उसे बेसिकली स्क्रैप कर दिया होगा तो वो डेड स्किन मिल सकती है। अगर कोई भी आपका ऑर्गन डैमेज हो चुका है तो वो उस कचरे में मिल सकता है। तो बेसिकली क्या है कि जो कचरा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो सॉलिड सब्सटेंस इजीली डिकम्पोज हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन डिकम्पोजिबल हो। उसके बाद गाइस ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ पर सब्सटेंस है वो हजार्डस भी हो सकता है, नॉन हजार्डस भी हो सकता है। उसके बाद गाइस हो क्या सकता है कि जो वहाँ पर सब्सटेंस है उन्हें प्रॉपरली ट्रीट करने की ज़रूरत हो, उन्हें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत हो, क्योंकि गाइस अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या फिर जो भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं उन्हें बेसिकली हमें सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं इन्हें तो हम लोग आसानी से डिग्रेड कर कंपोस्ट बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं इन्हें बेसिकली रिसाइकल करना पड़ेगा, जैसे कि प्लास्टिक्स हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकते हैं। तो गाइस इन्हें बेसिकली पहले सेपरेट करना, उसके बाद इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।